हेलो एवरीवन, मैं उमंग राजपूत आपका अपना यूट्यूब चैनल इंस्टेंट सॉल्यूशन पे फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने आपको इंटरनेट केबल कनेक्शन के बारे में बताया था। मैं इस वीडियो में RJ11 टेलीफोन कनेक्शन के बारे में बताऊंगा। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको टूल्स के बारे में बता दूं कि हम कौन कौन सा टूल इसमें यूज करेंगे और कैसे। सबसे पहले फ्रेंड्स, मैं एक पंचिंग टूल है फ्रेंड्स, इसमें हम पंच कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। उसके बाद ये इंसुलेशन रिमूवर टूल है, इसको हम निकाल कर, इसे हम यहाँ पर निकाल कर 3 से 4 mm की दूरी पर इसे स्ट्रिप, इसका इंसुलेशन निकालेंगे और इसे आराम से निकाल सकते हैं। उसके साथ है क्रिम्पिंग टूल, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये क्रिम्प करने के लिए है और ये RJ11 का कनेक्टर है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये 4-pin RJ11 का कनेक्टर है। ये 2-pin में भी आता है फ्रेंड्स, मैं आपको कैट 6 में दिखा रहा हूँ, इसलिए इसमें जो 4-pin का है ये कनेक्टर। उसके साथ ये टेलीफोन का एक्सटेंशन बोर्ड, जैसा कि आप देख पा रहे हैं अगर आप कहीं पर यूज कर रहे हैं, अगर अंडर वायरिंग है तो आप इस तरह से आप यूज कर सकते हैं और आसानी से इंटरनेट कनेक्शन ओपन और रिमूव कर सकते हैं। ये फेस प्लेट है फ्रेंड, उसके पीछे आप देख पा रहे हैं ये किंगस्टन है, किंगस्टन जैक इसको बोलते हैं। ये इस तरह से ये इसमें फिट हो जाता है, इस तरह से मेल और फीमेल है फ्रेंड्स, ये फीमेल है और ये मेल है। उसके बाद यहाँ पीछे जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कनेक्शन के लिए दिया गया है जैक, उसके साथ में यहाँ पर ड्राइंग भी दिया गया है कौन सा वायर यहाँ कनेक्ट होगा। ये कैट सिक्स इंटरनेट कनेक्शन के लिए है और इसमें हम टेलीफोन कनेक्शन भी यूज कर सकते हैं। तो मैं आपको कैट 6 में RJ11 कनेक्टर कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि कैसे इसका कनेक्शन करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स कि मैंने इस वायर का इंसुलेशन मैंने निकाल दिया है, 3 से 4 mm तक मैंने इसको स्ट्रिप किया है और मैं इसमें सिर्फ 4 वायर यूज करूंगा, बाकी सबको मैं कट कर देता हूं। तो मैंने इन बाकी चार वायर को मैंने कट कर दिया और बाकी 4 वायर में यहाँ पर इसका ट्विस्टिंग ये निकाल रहा हूँ, इसके पूरे ट्विस्टिंग प्लेन निकाल लेंगे दोनों चारों वायर की इस तरह से। उसके बाद हम वायर को सीधा कर लेंगे, इस तरह से हम वायर को, ये चारों वायर को हम सीधा कर लेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए किंगस्टन जैक है, मैंने आपको पहले ही बताया था ड्रॉइंग है, इस पर ऑलरेडी ड्रॉइंग बना हुआ है, ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज, उसके बाद ब्लू व्हाइट ब्लू, इसमें आप ग्रीन व्हाइट भी डाल सकते हैं और ग्रीन भी डाल सकते हैं और ब्लू व्हाइट ब्लू। मैं जो कनेक्शन कर रहा हूं वो है ऑरेंज व्हाइट ऑरेंज और ब्लू व्हाइट ब्लू। सबसे पहले हम इस वायर को सबसे पहले यहां हम रखेंगे, उसके बाद सबसे पहला ड्रॉइंग है ऑरेंज व्हाइट को हम यहां पर फिक्स करेंगे, फिर ऑरेंज को हम यहाँ कनेक्ट करेंगे, उसके बाद फिर फ्रेंड्स ब्लू व्हाइट है, फिर इस थर्ड नंबर पोल पे और फिर ब्लू को हम इस पोल पर कनेक्ट करेंगे। इसमें सिर्फ RJ11 में सिर्फ 4 वायर यूज होता है, 2 तो टेलीफोन के लिए और 2 फैक्स के लिए, आप इन केस आप फैक्स में भी यूज कर सकते हैं 2 वायर को और 2 टेलीफोन के लिए, तो मैं फैक्स और टेलीफोन दोनों का यूज कर रहा हूँ। फिर इस पंचिंग टूल की सहायता से मैं इसे पंच करूंगा, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे पंच किया ये चारों वायर को। इस टूल्स की सहायता से आप जो आसानी हो जाता है इसको वायर को पंच करने में और कहीं से मिसकंटिन्यूटी भी नहीं होगा टेलीफोन और फैक्स में। और उसके बाद इस तरह से हम इस वायर को यहां से कट कर लेंगे, जैसा कि आपने देखा मैंने वायर को कट कर लिया और यहां से मैं इसको लॉक कर दूंगा। ये लॉक हो गया फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने वायर को क्रिम्प करने के बाद इसके लॉक को प्रेस कर दिया। अब मैं इसे फेस प्लेट के अंदर फिक्स करूंगा, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसे फेस प्लेट के अंदर फिक्स कर दिया। अब मैं आपको RJ11 के कनेक्टर पे मैं कनेक्ट करके दिखाऊंगा कि इसे कैसे कनेक्ट करेंगे इस हाउसिंग को, कनेक्टर को। तो ये हमारे पास कैट 6 का वायर है, ठीक उसी तरह 3 से 4 mm तक मैं इसका इंसुलेशन रिमूव करूंगा, उसके बाद
इसमें भी चार वायर का हम यूज करेंगे, ऑरेंज वाइट, ऑरेंज वाइट और ब्लू वाइट का। जैसा कि आप देख पाए मैंने यहाँ अलग कर दिया इस चारों वायर को, और इस चारों वायर को मैं कट कर देता हूँ। उसके बाद इसकी ट्विस्टिंग हम रिमूव करेंगे इस तरह से। तो जैसे कि आप देख पा रहे फ्रेंड्स कि मैंने यहाँ पे पोल नंबर दिया हुआ है 1, 2, 3 और 4। 1 पे मैंने ऑरेंज वाइट को कनेक्ट किया है। सबसे पहले मैं ऑरेंज वाइट इस ड्राइंग के अकॉर्डिंग कि वायर इंटरचेंज ना हो, फिर उसके बाद ऑरेंज को मैंने कनेक्ट किया है। फिर उसके बाद 5 नंबर पोल है, उसके बाद 5 नंबर पोल पर मैंने कनेक्ट किया है यहाँ पर ब्लू वाइट को, फिर और उसके बाद फिर ब्लू को। इस तरह से मैं चारों को एक सिरे में लगाऊंगा। ये करने के बाद उसके बाद चारों वायर को हम सही से एक साथ रखेंगे, उसके बाद कट करेंगे वायर को। उसके बाद ये RJ11 के कनेक्टर को मैं हम यहाँ पे पुल करेंगे, उस पुश करेंगे। उसके बाद ये पूरा अंदर करने के बाद जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि हमने यहाँ पर कनेक्ट कर दिया। उसके बाद ये पूरा वायर यहाँ पर आ चुका है, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये पूरा वायर ऊपर तक आपको दिख पा रहा होगा, ये पूरा वायर। इस तरह से करने के बाद फिर हम इसको RJ11 के जैक में इसे फिट करेंगे और यहाँ पर पंच करेंगे स्टूल के सहायता से। स्टूल के सहायता से हम पंच करेंगे। इस तरह से पंच करने के बाद फ्रेंड्स ये हो गया आपका RJ11 का कनेक्टर तैयार, सॉकेट और ये बॉक्स के साथ, ये बॉक्स के साथ ये फिट होगा। उसके बाद आप आराम से आपके टेलीफोन में ये कनेक्टर फिट होगा, उसके बाद आप आराम से अपने टेलीफोन को फैक्स को यूज कर सकते हैं और रिमूव कर सकते हैं। बड़ा ही आसान है इस कनेक्टर को कनेक्ट करना और यूज करना। तो फ्रेंड्स कैसा लगा हमारा ये RJ11 का वीडियो? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, सपोर्ट करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही नए नए टॉपिक पर वीडियो बनाते रहें और आपको लर्न कराते रहें। फ्रेंड्स किसी भी प्रकार की अगर समस्या है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ और सीखना चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट करें, हम आपकी जोर सहायता करेंगे, हेल्प करेंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।